स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आएगा तो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि काउ मिल्क और बफेलो मिल्क, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स शुरू करता हूँ मैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफरेंस बिटवीन काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क। काउ मिल्क कंसिस्ट ऑफ अ लोअर फैट कंटेंट देन बफेलो मिल्क, हैंस इट इज लाइटर एंड ईजीली डाइजेस्टेबल। गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में वसा की मात्रा कम होती है, इसलिए यह हल्का और आसानी से पचाने योग्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये पहली पॉइंट जो है बहुत ही बढ़िया पॉइंट लिखी हुई है। गाय का जो दूध है वो पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेस्टेबल इजीली होता है, इजीली आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बफेलो मिल्क इज क्रीमियर एंड थिकर देन काउ मिल्क, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक हैवी फूड्स लाइक कर्ड, पनीर, खीर, कुल्फी एंड घी। बफेलो मिल्क इज क्रीमियर एंड थिकर देन काउ मिल्क, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक हैवी फूड्स लाइक कर्ड, पनीर, खीर, कुल्फी एंड घी। व्हाइल काउ मिल्क इज यूज्ड टू मेक चेना फॉर डेजर्ट लाइक रसगुल्ला, संदेश एंड रसमलाई। भैंस का दूध गाय के दूध की तुलना में मलाईदार और गाढ़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग दही, पनीर, खीर, कुल्फियों, घी जैसे भारी खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है, जबकि गाय का दूध का उपयोग रसगुल्ला, चंदन की रसमलाई जैसे चने की मिठाई बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बफेलो मिल्क कैन प्रिजर्व्ड नेचुरली फॉर लॉन्ग पीरियड ड्यू टू अ हाई पेरोडाइक्स एसिडिटी एंजाइम्स, व्हाइल काउ मिल्क शुड आइडियली बी कंज्यूम्ड विद इन 1 to 2 days। बफेलो मिल्क कैन बी प्रिजर्व नेचुरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू हाई पेरोडाइक्स एक्टिविटी एंजाइमी, व्हाइल काउ मिल्क शुड बी आइडियली कैन बी कंज्यूम्ड विद इन 1 or 2 days। उच्च प्रोक्सीडिस गतिविधि एंजाइम के कारण भैंस का दूध प्राकृतिक रूप में लंबी अवधि के लिए संश्लेषित किया जा सकता है, जबकि गाय का दूध आदर्श रूप में 1 to 2 दिन के भीतर सेवन किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट, बफेलो मिल्क हैज़ मोर प्रोटीन कंटेंट इन कंपैरिजन टू काउ मिल्क, विच इज़ व्हाई इट टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट। गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इससे पचाने में अधिक समय लगता है। बफेलो मिल्क हैज़ मोर कैलोरीज देन काउ मिल्क बिकॉज ऑफ अ हायर प्रोटीन एंड फैट कंटेंट। बफेलो मिल्क हैज़ मोर कैलोरीज
than cow milk because of higher protein and fat content. गाय के दूध में प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होने के कारण भैंस के दूध में अधिक कैलोरी होती है. गाय के दूध में प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होने के कारण भैंस के दूध में अधिक कैलोरी होती है. काउ मिल्क टेंड्स टू हैव अ हायर वाटर कंटेंट एज कंपेयर टू बफेलो मिल्क. काउ मिल्क टेंड्स टू हैव अ हायर वाटर कंटेंट एज कंपेयर टू बफेलो मिल्क. दिस इज बिकॉज इट कंटेंट्स फेवर सॉलिड्स विथ अराउंड 90% of the milk being composed of water. Cow milk tends to have a higher water content as compared to buffalo milk. This is because it contains fewer solids with around 90% of milk being composed of water. गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में पानी की मात्रा अधिक होती है. गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में पानी की मात्रा अधिक होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लगभग 90% दूध में पानी की मात्रा होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लगभग 90% दूध में पानी की मात्रा होती है. सातवां नंबर, बफेलो मिल्क contains more calcium and other minerals like phosphorus, magnesium and potassium as compared to cow milk which is rich in vitamins, suggests Dr. Sood. गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध में अधिक कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे अन्य खनिज होते हैं जो विटामिन में समृद्ध होते हैं. ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचा सकूं. और अगर आपको मैं लगता है कि मेरा वीडियो किसी के साथ शेयर करना है तो ज़रूर करें. थैंक यू.